बहुपदों का गुणनखंडन, फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स। अभी तक हमने देखा कि किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद से भाग दिया जाता है तब शेषफल शून्य होने पर हम यह कह पाते हैं कि वह भाजक बहुपद भाज्य बहुपद का गुणनखंड है। इससे हम बहुपद के गुणनखंडन नहीं ढूंढ सकते, तो हम उन बहुपदों तक कैसे पहुँचे जो किसी बहुपद के गुणनखंड हैं? हम बहुपदों के प्रकार के आधार पर उनके गुणनखंड प्राप्त करते हैं। हम यहाँ एक घातीय व द्विघाती बहुपदों के गुणनखंडन की चर्चा करेंगे। किसी संख्या का गुणनखंडन करने का अर्थ उसे ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होता है जिनका गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो। 6 के गुणनखंड 2×3 के बारे में विचार करते हैं। 6 को यहाँ 2 व 3 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है जिनका गुणनफल 6 है। इसी प्रकार 12 को भी लिख सकते हैं, 12 बराबर 2×2×3। इसी प्रकार जब हम किसी बहुपद के गुणनखंडन की बात करते हैं तो उसका आशय होता है कि बहुपद को ऐसे सरल बहुपदों के रूप में तोड़कर लिखना जिन्हें गुणा करने पर फिर वही बहुपद मिल जाए। बहुपदों के गुणनखंडन करने के कुछ तरीके हैं, जैसे हम कभी उभयनिष्ठ बहुपद पहचानकर गुणनखंडन करते हैं तो कभी इन सर्वसमिकाओं के उपयोग से। a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर कोष्टक में a धन b गुणित कोष्टक में a ऋण b आदि। उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना। उभयनिष्ठ बहुपद निकालकर गुणनखंड ज्ञात करना तभी संभव हो पाता है जबकि बहुपद के सभी पदों में वह बहुपद मौजूद हो। आगे के कुछ उदाहरणों में इसे समझा जा सकता है। उदाहरण 16, 12x धन 4x की घात 2 का गुणनखंडन कीजिए। हल। सबसे पहले हमारे पास बहुपद 12x धन 4x की घात 2 जिसका हमें गुणनखंडन करना है। दूसरे पद में यहाँ 4 है, इसके लिए हम 12 को 4×3 के रूप में लिखेंगे और x के लिए गुणा x धन 4×x×x। यहाँ हमने 4x की घात 2 को 4×x×x के रूप में लिखा। अब यहाँ हमारे पास दो पद, 4×3×x पहला पद धन 4×x×x। यहाँ बहुपद 4x दोनों पदों में है जिसे हम 4x को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो हमारे पास कोष्टक में यहाँ पहले पद में 3 बचेगा धन दूसरे पद में x बचेगा। यह हमारा अभीष्ट गुणनखंड है। तो इस तरह से हमने देखा कि 12x धन 4x की घात 2 का जब हमें गुणनखंडन करना है तो हमें प्राप्त हुआ 4x कोष्टक में 3 धन x जो कि ये अभीष्ट गुणनखंड है इस बहुपद का। उदाहरण 17, ab धन ac धन a की घात 2 का गुणनखंडन कीजिए। हल। सबसे पहले हमारे पास बहुपद ab धन ac धन a की घात 2 है। यहाँ पे हम देखते हैं कि a तीनों पदों में है, ab में a है, दूसरा पद ac में भी a है और तीसरा पद a की घात 2 में भी a है। तो यहाँ सबसे पहले हम a को उभयनिष्ठ के रूप में सभी पदों से बाहर निकाल लेंगे तो कोष्टक में हमारे पास प्राप्त होगा b धन c
धन ए। अब इसे हम लिखेंगे ए, और इसे जब हम क्रम से जमाएंगे तो इसे लिख सकते हैं ए धन बी धन सी। तो फिर कोष्टक हमारा बंद होगा। ये जो हमारा है अभीष्ट गुणनखंड है। तो बहुपद ए बी धन ए सी धन ए की घात दो में तीनों पदों में ए होने के कारण हमने इसका इसमें ए को उभयनिष्ठ निकाला, और कोष्टक में बचेगा पहले पद में बी धन यहाँ पे सी और धन ए को हमने क्योंकि बाहर निकाला है तो यहाँ एक ए बचेगा। और इस तरह से हम जब इसे क्रम में लिखेंगे ए बी सी के रूप में तो ए कोष्टक में ए पहले धन बी धन सी, ये हमारा अभीष्ट गुणनखंड है या इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण 18, दो एक्स की घात तीन धन चार एक्स का गुणनखंडन कीजिए। हल, दो एक्स की घात तीन धन चार एक्स। इसमें हम पहला पद बराबर पहला पद दो एक्स की घात तीन को गुणा के रूप में लिखेंगे, दो गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स। चूँकि एक्स का घात तीन को हम तीन बार गुणा में लिखे एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स। धन दूसरा पद है हमारे पास चार एक्स, चार को हम तोड़ सकते हैं गुणा में दो गुणा दो, और इस एक्स के लिए गुणा एक्स। अब हमारे पास यहाँ दो पद, दो गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स पहला पद, धन दो गुणा एक्स दूसरा पद। इसमें हम सबसे पहले यहाँ दो को उभयनिष्ठ निकालेंगे और एक्स भी यहाँ पे दोनों में है तो दो एक्स हमारा उभयनिष्ठ निकलेगा। तो कोष्टक में हमारे पास आएगा दो एक्स, क्योंकि चूँकि बाहर निकल चुका है कोष्टक के, तो एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो घात के रूप में हम इसे लिख सकते हैं एक्स की घात दो धन दो एक्स, क्योंकि हमने निकाल चुका है तो यहाँ पे दूसरे पद में दो बचेगा, और ये हमने कोष्टक को बंद कर दिया। तो ये जो हमारा बहुपद था जिसको हमने गुणनखंडन करने के बाद प्राप्त किया, दो एक्स कोष्टक में एक्स की घात दो धन दो अभीष्ट गुणनखंड है या इस प्रश्न का हल होगा।